सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशनशिप मैनेजर और रिलेशनशिप ऑफिसर के बारे में, डिफरेंट बताने वाला हूं दोनों के बारे में। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी कि सर रिलेशनशिप मैनेजर और रिलेशनशिप ऑफिसर में क्या डिफरेंट होता है, किसका क्या जॉब रोल रहता है, टारगेट किसके कितने रहते हैं, कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है, तो इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप मैनेजर वर्सेस रिलेशनशिप ऑफिसर। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं RM और RO, रिलेशनशिप ऑफिसर। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं इनका मैं आपको सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या रहता है। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर होते कौन है। रिलेशनशिप मैनेजर वो होते हैं जो कि रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और रिलेशनशिप कस्टमर के साथ उनको ऑलरेडी लीड प्रोवाइड रहती हैं। रिलेशनशिप मैनेजर को लीड दे दी जाती हैं, चाहे वो फिर ब्रांच में हो, कॉरपोरेट ऑफिस में हो, वो जो प्री लीड है, जो पहले से बैंक के पास लीड है, उन पे काम करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैनेजर सबसे पहले जो उनका काम रहता है रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर के साथ, यानी कस्टमर से बिजनेस निकालना, और वो भी उनको लीड दे दी जाती है। तो इनको लीड दे दी जाती है, ठीक है, उस पर इन्हें वर्क करना है, उस पर इनको काम करना है। ठीक है, अब इनको काम क्या रहता है, बिजनेस निकालना। बिजनेस में अगर हम बात करें जैसे FD कराना कस्टमर की कॉल करके, ठीक है, और कस्टमर की कोई क्वेरीज है वो क्वेरीज भी सॉल्व करना। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है क्वेरीज को भी सॉल्व करना। तो यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेरीज के साथ साथ आपका NCA नया अकाउंट भी खुलवाना, ठीक है, उसके साथ साथ डीमैट भी करवाना, ठीक है, उसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस के साथ साथ आपका हो गया, अगर हम बात करें तो आगे म्यूचुअल फंड हो गया, MF, तो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बैंक के प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट को पे एक्टिवेशन चाहिए ही चाहिए। जो आप पे लीड दी गई है ना, उन लीड से चाहिए एक्टिवेशन, या फिर आप खुद की तरफ से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लीड जनरेट आप भी कर सकते हैं और आपको लीड दे दी जाएंगी, ये होता है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। ठीक है, अब रिलेशनशिप मैनेजर में एक चीज और बेस्ट हो जाती है, इसमें आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक तो आपको ऑपरेशन दे दिया जाता है, अब ब्रांच भैया ओपन है 9:30 बजे से कस्टमर के लिए 3:30 बजे तक, तो आप ऑपरेशन का काम देखेंगे, और फिर जैसे ही ब्रांच आपकी क्लोज होती है फिर आप सेल्स में डाल दिया, आपको सेल्स करना है, बोले तो प्रोडक्ट एक्टिवेशन। ठीक है, और मोस्टली कम से कम जितने प्रोडक्ट होते हैं उसमें से आपको 8 से 10 प्रोडक्ट में पर मंथ एक्टिव होना ही है, वरना फिर आपके जो ब्रांच मैनेजर है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर है, आपके टीम लीडर है, आपको आपकी मीटिंग होगी और आपको सुनाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको काम ऑपरेशन का दिया जाएगा, जब तक ब्रांच में 9 बजे से आपकी ब्रांच ओपन होती है कस्टमर के लिए 9 AM से और आपके 3 PM तक, तब तक आपको कस्टमर की क्वायरी सॉल्व करनी है, कस्टमर से रिलेटेड काम करने हैं ऑपरेशन के। अब देखिए, जरूरी नहीं है हर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स करे, ये भी जरूरी नहीं है। क्या पता किसी को बाद में, आप जैसे अब आप एक चीज समझ लीजिए, बाद में जो है चेक आए, बहुत सारे चेक आ गए, ठीक है, चेक आ गए, RTGS हो गया आपका, ये सारी चीजें आ गई, तो किसी किसी रिलेशनशिप मैनेजर को इस पे भी लगा दिया जाता है, ठीक है, चेक क्लियर करो, RTGS का ये सब ट्रांसफर करो। तो इनको सेल्स भी देखिए आजकल ना सबसे मांगा जा रहा है, ब्रांच हो कहीं भी हो, जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उन सबसे भी सेल्स मांगा जा रहा है। बट एक चीज बेस्ट है कि अगर वो ब्रांच में है तो उनको ऑपरेशंस का काम भी दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और होती है, लोग पूछते हैं सर रिलेशनशिप मैनेजर फील्ड पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, और मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं जाते हैं फील्ड की, अगर हम बात करें तो नो, लेकिन कुछ ब्रांच में ऐसा है कि आपको जाना पड़ेगा, तो यस, तो इस टोटली ऑन योर DBM, डिप्टी ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, राइट, ये होता है रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, उसके काम वगैरह टारगेट तो पर मंथ आपको एक्टिव होना ही है, आगे तो आपका यही रहेगा, कुछ नहीं। अब हम आते हैं RO पे, है ना, रिलेशनशिप ऑफिसर। यहाँ पे होता है मैनेजर, मैनेजर मतलब मैनेज करना सारी चीजों को, है ना, मैनेजमेंट से जो बंदा उठ के आया, स्टडी करके आया, BBA वाले सिलेक्ट होते हैं, BCom वाले सिलेक्ट होते हैं,
ये सब सिलेक्ट होते हैं आरएम के लिए। आरएम वो भी होते हैं जो एसओ होते हैं छोटी ग्रेड, जैसे सेल्स ऑफिसर हो गया, सीनियर ऑफिसर हो गए, वो भी आरएम ही होते हैं। लेकिन मोस्टली आरएम का टैग आपको तब मिलता है जब आप एमबीए करके आते हैं, आपकी ग्रेड होती है एएम या एएम टू, डीएम वन, डीएम टू, इस ग्रेड के मोस्टली आरएम माने जाते हैं। उससे पहले आप जो माने जाएंगे ना छोटी ग्रेड पे सीनियर ऑफिसर एस वन एस टू जो भी है, वो आरओ में आप काउंट होंगे, रिलेशनशिप ऑफिसर। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर नहीं, रिलेशनशिप ऑफिसर। अब रिलेशनशिप ऑफिसर पे सबसे पहले आते हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर का काम होता है मोस्टली उनको सेल्स का काम दिया जाता है। सेल्स आपको फील्ड पे दी जाएगी और कुछ ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर अच्छे भी होते हैं तो वो आपको ब्रांच में भी काम दे देते हैं। देखो सेल्स तो आपको करना ही है, बिजनेस आपको करना है। सेल्स नहीं बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं बिजनेस, क्योंकि हम प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं। बैंक में कोई सेल्समैन और ये सब नहीं होता है, वहाँ प्रोफेशनल लैंग्वेज चलती है, इसको बोलते हैं इट्स कॉल्ड बिजनेस। अब रिलेशनशिप ऑफिसर को ऑपरेशंस का काम नहीं दिया जाता है तो लिख देंगे नो ऑपरेशन। बहुत कम, बहुत फ्यू ब्रांच में या कॉरपोरेट में आपको रिलेशनशिप ऑफिसर को काम दिया जाता है ऑपरेशन का। अदरवाइज रिलेशनशिप ऑफिसर को सेल्स ही करना है, फील्ड पे जाना है। काम क्या रहता है, वही नया एनसीए करना भाई, डीमैट करना, एमएफ म्यूचुअल फंड करना, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस के साथ साथ एफडीज हो गई, और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं बैंकिंग, जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट है नीचे लिख दे रहा हूं मैं। मोस्टली 8 से 10 पर मंथ इसमें भी एक्टिवेशन चाहिए आरओ के लिए। ठीक है, समझ आ रही होगी मेरी बात। अब इसमें क्या होता है ना, अगर हम रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें तो इनपे भी टारगेट प्रेशर हाई रहता है, टारगेट प्रेशर इनपे भी काफी रहता है। ठीक है, और यहां भी टारगेट प्रेशर, लेकिन इन लोगों पे थोड़ा ज्यादा रहता है। इनका टारगेट वही होगा जो आरएम का है, इन पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। प्रेशर इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इनको फील्ड वील्ड में दौड़ाया जाएगा कि भैया अपनी स्कूटी लेके आओ, अपनी बाइक लेके आओ, ठीक है, और जाओ फील्ड में निकल जाओ और अकाउंट अकाउंट खुलवाओ। एक चेक अकाउंट खुलना चाहिए नया 5 लाख के चेक के साथ, न्यू अकाउंट, ठीक है, एनसीए, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड की जाती है, जाओ भैया म्यूचुअल फंड कराओ, एफडी कराओ, इंश्योरेंस बेचो। और आप देखते हैं पॉस मशीन भी होती है बैंक की, पॉस मशीन दे देंगे, फास्टैग का काम दे देंगे, ठीक है। और इस तरीके के और भी जो बैंक के काम है, जो सेल्स वाले प्रोडक्ट है, जो फील्ड पे सेल्स की जाती है, वो सारे प्रोडक्ट आपको उठा के दे देंगे रिलेशनशिप ऑफिसर को कि जाओ आपका काम ही यही है, फील्ड पे निकलो, नए कस्टमर ढूंढो, कुछ भी करो, हमें बिजनेस चाहिए। सामने जब लौट के आओ ना तो एक इंश्योरेंस सेल करके आओ भाई, और नया अकाउंट खुलवा के लाओ पॉस मशीन को, और क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड तो हम भूल ही गए, इंपोर्टेंट है भैया, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब सेल्स करके आओ। स्कूटी लो भैया, बाइक लो, लेकिन पेट्रोल का जो खर्चा है वो आपका, आप क्लेम कर सकते हैं अपनी ब्रांच से, ठीक है। और अब रिलेशनशिप मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, कैसे बनते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, आजकल तो मोस्टली अकेडमी वगैरह प्रोवाइड कर दे रही हैं, जैसे कि टाइम्स प्रो, एनआईआईटी वगैरह, बट टाइम्स प्रो, एनआईआईटी आपको रिलेशनशिप ऑफिसर, आरएम बोलेंगे और दे देंगे आपको रिलेशनशिप ऑफिसर का काम। तो डायरेक्ट करियर पोर्टल से आप अप्लाई कीजिए, किसी भी बैंक या लिंक्डइन से अप्लाई कीजिए, ठीक है, सेम सेम के लिए। अब बेस्ट कौन सा रहता है, ये भी पूछते हैं कि सर अब आप ये बताइए बेस्ट कौन सा है। तो रिलेशनशिप ऑफिसर बेस्ट है कि जिसमें आपको कम से कम, मैं मानता हूं 60% आपका 60% ऑपरेशन, ठीक है बड़ी, और आपका 40% सेल्स। और यहां पे अगर हम बात करें तो भैया 90% सेल्स ही है रिलेशनशिप ऑफिसर में, 10% हम इसको ऑपरेशन में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ही सेम लगती हैं यार। देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वालिफिकेशन, बीबीए वाले आ जाइए, बीकॉम वाले आ जाइए, बीसीए वालों को भी रख लेते हैं, और भी कोई डिग्री की और किसी एकेडमी से कोर्स करके आप आ सकते हैं। यहाँ पे भी सेम डिग्री है आपकी, कोई बीबीए, बीकॉम, बीटेक हो गया, इसमें भी बीटेक चल जाता है, बीसीए चल जाता है, और भी जो बीएससी आईटी भी ले लेते हैं आजकल तो बीएससी आईटी, इसमें भी सेम, और बाकी एकेडमी के थ्रू भी आप आ सकते हैं। सैलरी की हम बात कर लेते हैं, सैलरी दोनों की बराबर होती है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होगा तो 1000 रुपए का बेसिक सैलरी, वही आपकी रिलेशनशिप मैनेजर की 18000 से स्टार्ट होती है, 18K पर मंथ। सेम इसकी भी रहने वाली है आपकी 18K पर मंथ,
ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज है आपकी पोस्ट, नाम चेंज है, रिलेशनशिप मैनेजर, ये मैनेजर जहां लग जाता है ना वहां ऑपरेशंस भी काउंट होता है सेल्स के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ, ठीक है। जहां ऑफिसर लग गया वहां पे प्रॉपर आप सेल्स में हैं, प्रॉपर रिटेल में हैं आप, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जहां मैनेजर लगा होता है आप सोचिए हाँ थोड़ा ऑपरेशन भी रहने वाला है, क्योंकि यार मैनेजर टैग बहुत अच्छा टैग माना जाता है, ऑफिसर से अच्छा मैनेजर टैग होता है प्रोफेशनल, अगर हम बात करें और ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो मैनेजर का टैग थोड़ा बड़ा होता है और ऑफिसर से। तो ट्राई कीजिएगा रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट में जाएं, यहाँ पे प्रॉपर सेल्स रहेगा, आरओ की पोस्ट मिलती है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है स्टार्ट करने के लिए करियर, इट विल बी बेस्ट, सेम रिलेशनशिप मैनेजर इट इज ऑल्सो बेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी रिलेशनशिप मैनेजर इज बेस्ट, बेस्ट मैनेजर का टैग भैया 7% ऑपरेशन भी करेंगे आप ब्रांच वगैरह में रह के, उसके साथ साथ 40% सेल्स, प्रोडक्ट एक्टिवेशन 100% चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं करेंगे तो सुनने को मिलेगी, ब्रांच मैनेजर बोलेंगे फिर आपको कुछ ना कुछ बोला जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और एक चीज़ और, कॉर्पोरेट में हमेशा याद रखिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉर्पोरेट में आप दिमाग से काम लीजिए, वहाँ दिल से काम नहीं चलता, अगर आपको आपके मैनेजर ने कुछ बोल दिया, आपके बॉस ने कुछ बोल दिया तो उसको दिल पे बिल्कुल मत ले जाइए, दिमाग पे लीजिए, एक कान सुनिए दूसरे कान निकाल दीजिए, कॉर्पोरेट में सक्सेस होना है। तो अभी आप पता है क्या ना, अभी अगर हम एग्जांपल सेट करें, आप हैं जो रेल के पीछे डिब्बे जुड़े होते हैं ना और उनका एक इंजन चला रहा होता है, 8-10 डिब्बों को एक इंजन चला रहा होता है ना, आप हैं वो अभी रेल के डिब्बे, और धीरे धीरे 8-10 साल जब आपको एक्सपीरियंस आएगा आप वो इंजन बन जाएंगे, फिर आपके पीछे पूरी टीम होगी, आप होंगे इंजन और आपके हाथ में होंगे अपने डिब्बों को, आप आगे बढ़ेंगे तभी आपके डिब्बे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऐसे काम करती है रेल के डिब्बों की तरह, रेल की तरह, ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजर बेस्ट रहने वाला, रिलेशनशिप ऑफिसर ऑल्सो बेस्ट यार, बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं ना आप, जो भी पोस्ट मिलती है ना उस पर आ जाइए, क्योंकि 1 या 1.5 साल बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उस पोस्ट को चेंज करके दूसरी पोस्ट में जा सकें, बट फिलहाल अपॉर्चुनिटी मिलना, जॉब मिलना, काम करना, एक्सपीरियंस लेना, सैलरी आना पर मंथ, ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है, खाली बैठने से अच्छा है कि एक काम होना चाहिए जिस पर हम अपना फोकस कर सकें, काम कर सकें, लगे रहें, ठीक है। तो आज का डिफरेंट मैंने आपको क्रिएट कर दिया, अगर कुछ भी छूटता है ना और आपको लगता है कुछ छूटा है, मिस हुआ है, तो आप कमेंट में बताइएगा, आप कमेंट में अपनी क्वेरीज रखिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। और बहुत टाइम बाद में वीडियो ला पाया हूँ, थोड़ा गांव गया हुआ था, विजिट करने फंक्शन था, एक्सप्लोर करने चीज़ों को गाँव में, अपने खेत वगैरह हैं, ठीक है, तो इस वजह से वीडियो बहुत लेट आ पाई, शॉर्ट वीडियो में हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर बोथ आर द बेस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है तो ऑपरेशंस भी आप रहेगा, सेल्स भी रहेगा, ये थोड़ा इजी रहता है, इसमें प्रॉपर सेल्स रहेगा, ये थोड़ा टफ रहता है, पर दोनों में अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, सैलरी भी बराबर ही रहती है, पावर भी बराबर रहेगी, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो जो पोस्ट आपको सही लगती है वो ज्वाइन कीजिएगा। कोई और क्वेरीज आप जानना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। और यार टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं जो जॉब वगैरह निकलती है उनकी डालता रहता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से आई होप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बाकी आप कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक मारें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे करियर वीडियो, करियर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए। सो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट मी, मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर क्वेरी व्हेन आई विल फ्री। थैंक यू सो मच।